हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट बाइल ड्यूक्स एंड गॉल ब्लैडर। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था अबाउट द लिवर। तो लिवर का जो स्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें अपन ने कवर किया था कि लिवर की यूनिट क्या होती है, लिवर के अंदर बाइल ड्यूक्स का सिंथेसिस एंड सीक्रेशन कहाँ पे हुआ था, और आगे उसी में कंटिन्यूशन में देखा था स्टोरेज ऑफ द बाइल ड्यूक्स इन गॉल ब्लैडर। टुडे वी डिस्कस अबाउट गॉल ब्लैडर एंड बाइल ड्यूक्स। तो गॉल ब्लैडर एंड बाइल ड्यूक्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नीट के या एम्स में क्या आ सकते हैं, और ये वाला पार्ट अपना इसमें अपन कवर करेंगे। तो जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर, इस गॉल ब्लैडर में बाइल ड्यूक्स, तो बाइल ड्यूक्स एंड गॉल ब्लैडर दोनों की अपन बात करके देखें। तो सबसे पहले ये जो गॉल ब्लैडर है, इसकी लोकेशन देखिए कहाँ होगा। तो जनरली अपन देखें कि ये लिवर है और ये लिवर का राइट लोब, दिस वन इज द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। राइट लोब, इस राइट लोब के लोअर पार्ट में इंफीरियर साइड में यहाँ पर एक डिप्रेशन गड्ढा होता है, और इसको नाम दिया था अपन ने गॉल ब्लैडर को सिस्टिक। तो इसको नाम दिया जाता है सिस्टिक फोसा। फोसा मीन्स ऐसा एक गड्ढा जो इस लिवर के नीचे इंफीरियर साइड में, तो इस इंफीरियर साइड में फोसा है, गड्ढा है, दिस इज कॉल्ड सिस्टिक फोसा। इस फोसा में प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। तो ये गॉल ब्लैडर एक्चुअल में, इसको अपन देखें तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर। इसमें इसके पार्ट अपन देखते हैं तो ये वाला पार्ट इसका अपर पार्ट, दिस इज, ये इसकी एक्चुअल में अपन इसको नैरोअर पार्ट इसका नेक, ये वाला पार्ट फंडस, और इस पार्ट को बॉडी बोलते हैं। तो गॉल ब्लैडर के तीन पार्ट हैं और इसकी लोकेशन राइट लोब ऑफ लिवर, ये राइट लोब। अब इस राइट लोब ऑफ लिवर की इंफीरियर साइड, अब यदि अपन इसका अंदर का पार्ट देखते हैं तो जो फंडस पार्ट है ये इसकी ल्यूमन है। इस फंडिक पार्ट में इस तरह के पाउच पाए जाते हैं, इन पाउच को बोलते हैं, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये पाउच है फंडिक पाउच। इन पाउच में क्या होगा, देखिए यहां ये फंडिक पार्ट में से फंडिक पार्ट में, तो इस पार्ट में स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ बाइल ड्यूक्स। ये क्वेश्चन बना, गॉल ब्लैडर में स्टोरेज ऑफ बाइल ड्यूक्स होता है, बट किस पार्ट में, फंडिक पार्ट। फंडिक पार्ट अपन ने स्टमक पर, स्टमक का भी देखा था, लेकिन वो अलग पार्ट। बट इसमें बाइल ड्यूक्स आएगा कहां से, तो बाइल ड्यूक्स का फॉर्मेशन सिंथेसिस लिवर में होता है, ये लिवर की हिपेटिक डक्ट है। राइट लोब से आएगी तो राइट हिपेटिक, लेफ्ट से आएगी लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। अपन को ये भी मालूम था कि ये जो हिपेटिक डक्ट है ये कौन सी है, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट एंड दिस वन राइट हिपेटिक डक्ट, दोनों मिलकर ये बनाती है कॉमन हिपेटिक डक्ट, CHD मीन्स कॉमन हिपेटिक डक्ट। कॉमन हिपेटिक डक्ट
में जाके खुलती है ये डक्ट, और ये डक्ट गॉल ब्लैडर से निकलती है, और इस डक्ट को अपन ने नाम दिया था सिस्टिक डक्ट। क्या नाम देते हैं इसको? सिस्टिक डक्ट। तो देखिए जितने भी गॉल ब्लैडर से रिलेटेड पार्ट उनमें सिस्टिक आया, तो गॉल ब्लैडर के लिए जो फोसा था सिस्टिक फोसा, गॉल ब्लैडर के लिए डक्ट है सिस्टिक डक्ट कहते हैं उसको। अब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट ये एक बाइल डक्ट बनाती है। ये बाइल डक्ट वाला पोर्शन इसको नाम दिया था डक्टस कोलियोडोकस, डक्टस कोलियोडोकस। ये क्वेश्चन आ चुका है वाइल्ड डक ऑल्सो कॉल्ड डक्टस कोलियोडोकस। अब यहां पे क्या होता है, ये जो पाउच है इस पाउच को अपन फेरिंजियल पाउच भी कहते हैं, फेरिंजियल पाउच। थोड़ा सा डिटेल याद रखिए, इस पाउच में ही बेसिकली स्टोरेज ऑफ द वायरस एंड कंसंट्रेशन ऑफ वायरस, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बायो जूस का कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है बायो जूस का गाढ़ा होना। इसका मतलब है कि ये जो बायो जूस राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से आ रहा है वो बेसिकली आ कहां से रहा था, ये आता है लिवर के अंदर, मान लीजिए हिपेटोसाइट, ये हिपेटिक सेल, हिपेटिक सेल सीक्रेट करती है बायो जूस एंड देन कम इन द बाइल कैनाली कुली, बाइल कैनाली कुली ओपन इन द हिपेटिक डक्ट्यूल, और हिपेटिक डक्ट्यूल मिलकर क्या बनाती है हिपेटिक डक्ट। ये पूरा पैसेज अपन ने लेक्चर इससे पहले वाला था उसमें स्ट्रक्चर ऑफ लिवर में देखा था। देन अब बाइल जूस यहां से ये आएगा देखिए फंडिंग पार्ट, और इस फंडिंग पार्ट में फेरिंजियल पाउच बाइल जूस का कंसंट्रेशन होगा। मींस कंसंट्रेशन में क्या होता है, 10 times वाटर एब्जॉर्ब, 10 times वाटर एब्जॉर्ब होने से बाइल जूस का कंसंट्रेशन हो जाता है किस पार्ट में, फेरिंजियल पाउच में। तो अब इस बाइल जूस, इस बाइल जूस की जो पीएच है वो हो जाती है 7.7, याद रखें पीएच ऑफ द बाइल जूस 7.7। अब बाइल जूस एक्चुअल में स्टोर एंड कंसंट्रेट किसमें हुआ, गॉल ब्लैडर के फंडिंग पार्ट में। अब ये जो सिस्टिक डक्ट है एक्चुअल में क्या होता है, इसमें अपन देखें यहां पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, यानी ट्राइंगल लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। देखिए इंफीरियर लोब ऑफ लिवर, ये कॉमन हिपेटिक डक्ट, और ये गॉल ब्लैडर की बॉडी। इस बॉडी और कॉमन हिपेटिक डक्ट और राइट लोब ऑफ लिवर, इन तीनों के बीच में एक ट्राइंगल स्ट्रक्चर बन गया, ये देखिए ट्राइंगल स्ट्रक्चर, और इस ट्राइंगल स्ट्रक्चर को कैलॉट्स ट्राइंगल बोलते हैं। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये मेडिकल स्टडी में आपको मिलेगा, बट अभी आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा समझ लीजिए। इसको नाम देते हैं कैलॉट्स ट्राइंगल।
तो जो मेडिकल स्टूडेंट है उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि कैलोट्स ट्रायंगल क्या होता है, क्योंकि इसके बाद एमबीबीएस के बाद पीजी एग्जाम होता है, उसमें इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी आप इसको देख पा रहे हैं कि कैलोट्स ट्रायंगल क्या है, अभी इसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए नहीं है। दूसरा, ये जो बॉडी पार्ट है, इस बॉडी पार्ट में यहां पर कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर फिर से मिलते हैं, और इस बॉडी में ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर को देखिए यहां पर क्या नाम दे दिया था। ये वाले पाउच तो कौन से पाउच थे? फेरिंजियल पाउच। अब ये जो पाउच है, ये वाला पाउच जो बॉडी के नेक, जो बॉडी पार्ट में, तो इस पाउच को अपन नाम देते हैं हार्ट मेंस पाउच। ये दो या जितने भी पाउच वाले पार्ट हैं, थोड़ा सा इसका ऊपर वाला पार्ट है, अपन याद रख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज समझ तो लीजिए। हार्ट मेंस पाउच में क्या होता है? स्टोरेज ऑफ बैलेंस फंडिंग पार्ट में, अब उसके बाद में 10 टाइम्स वाटर एब्जॉर्ब हो गया, कंसंट्रेट हो गया, इसकी पीएच एल्कलाइन हो गई, 7.7 हो गई पीएच। अब जब फूड, अपन ये भी जानते हैं, बाइल डक्ट तो देखिए ये बाइल डक्ट किस डक्ट के साथ मिलती है? तो ये बाइल डक्ट मिलती थी पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ, और यहां पर एक स्फिंक्टर, इसका क्या नाम दिया था पिछले लेक्चर में? स्फिंक्टर ऑफ वॉइडन, स्फिंक्टर ऑफ वॉइडन। अब ये पैंक्रियाटिक डक्ट, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, ये पूरी लेंथ में फैली हुई है पैंक्रियास की, और इसमें आके ओपन होते हैं क्या? पैंक्रियाटिक एसिनस, और ये पैंक्रियाटिक एसिनस इसका एक्जोक्राइन पार्ट है, यहाँ पर ये छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं, उनके थ्रू बड़ी डक्ट में ओपन होते हैं, ये पैंक्रियास की मेन डक्ट। इसको अपन ने नाम दिया, ये डक्ट का क्या नाम था? इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ वेरसन, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट को डक्ट ऑफ वेरसन, ये इसकी छोटी डक्ट है, एंड दिस इज एसिनस। बहुत सारे तो एसिनस एक है, तो एसिनाई, एसिनाई इसका एक्चुअल में एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पेंक्रियास की, पेंक्रियास का ये हेड है, मानिए दिस वन इज द पेंक्रियास। बट ये कनेक्शन अपन ने पहले भी देखा था, कनेक्शन बिटवीन लिवर पेंक्रियास एंड डियोडेनम। अभी अपन बाइल ड्यूस के बारे में देखते हैं, तो बाइल ड्यूस का पैसेज क्या है? फर्स्ट हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल से निकल के बाइल कैनालिकुलस, बाइल कैनालिकुलस मिलकर हेपेटिक डक्ट्यूल, डक्ट्यूल मिलके डक्ट, वो दोनों राइट और लेफ्ट लोब से निकल के कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है, जिसमें सिस्टिक डक्ट ओपन होती है। अब सिस्टिक डक्ट, अब आप देखिए ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है बाइल डक्ट, अब ये दोनों मिलकर के बनाती हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट ये आगे ड्यूडेनम में एंटर करती है। चलिए अपन ड्यूडेनम को यहाँ पर इस टाइप से बना लेते हैं, ये ड्यूडेनम, ओके, बट ड्यूडेनम तो इस साइड में है, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट। तो ड्यूडेनम के ल्यूमन में बाइल ड्यूस एंड पैंक्रियाटिक ड्यूस आए, यहां पर पैसेज एक और था, जब इसकी ल्यूमन में ये आता है तो इसका ये फूला हुआ पार्ट एम्प्लॉपेट, इसका ऐसा उभरा हुआ पार्ट ये, इसको पेपलॉपेट,
दिस वन इज द पेपला ऑपरेटर, और यहाँ पर फिर से इसकी ओपनिंग है और इस ओपनिंग पर स्फिंक्टर और वॉइडर, ये जो मसल है जो इस ओपनिंग को सराउंड करती है, इसको नाम दिया था अपन ने क्या, स्फिंक्टर ऑफ वॉइडर। ये स्ट्रक्चर पहले आ चुका है, अपने को देखना है पैसेज ऑफ द बाइल्स। अब देखिए ये ड्यूओडेनम है, इस ड्यूओडेनम में फूड कहां से आ रहा है, इस ड्यूओडेनम में फूड कहां से आएगा, स्टमक, और स्टमक के अंदर पीएच, स्टमक की पीएच 1.5 थी, और इस पीएच पे इसके अंदर जो फूड है, फूड इन स्टमक इज कॉल्ड काइम। अब ये काइम किस में एंटर होगा, ड्यूओडेनम की ल्यूमन में। अब ये काइम देखिए कैसा होगा, ऐसे भी तो जैसे ही फूड पार्ट, देखिए ये इसकी ड्यूओडेनम की वॉल, और इसकी वॉल में ये लास्ट पार्ट म्यूकोसा। जैसे ही फूड पार्टिकल, ये मान लीजिए फूड पार्टिकल है जो कहां से आ रहा है, स्टमक से, फूड पार्टिकल जैसे ही कांटेक्ट में आएगा म्यूकोसा के, तो अब क्या होगा, इस म्यूकोसा की सेल से यहां से हार्मोन सीक्रेट होकर किस पे काम करेगा, गॉल ब्लैडर पे। ये देखिए फूड स्टमक से ड्यूओडेनम में आएगा, और स्टमक में, स्टमक से जैसे ही ड्यूओडेनम में आएगा तो ड्यूओडेनम की जो अंदर ल्यूमन है, उस ल्यूमन में जो म्यूकोसा है उसकी एपिथेलियम से कांटेक्ट में आएगा, तो वहां पर म्यूकोसल सेल ये सीक्रेट करती है हार्मोन, और ये हार्मोन ब्लड के थ्रू कहां पहुंचता है, गॉल ब्लैडर, और ये हार्मोन होता है CCK। हार्मोन का क्या नाम दिया गया, CCK। अब देखिए सी वर्ड इससे रिलेटेड था सिस्टिक, और इस सिस्टिक में क्या स्टोर हो रहा है, बाइल्स, और ये जो इसके अंदर बाइल्स बेसिकली बना किसमें, पेटिक सेल में, और बाइल्स को बोलते हैं पॉली, तो वर्ड देखिए पॉलीसिस्टोकाइन मींस, ये CCK मींस कॉली, कॉली मींस बाइल, सिस्टो मींस गॉल ब्लैडर, और काइनी मींस मूवमेंट। ऐसा हार्मोन जो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा, और गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करने का मतलब है प्लस, तो इससे निकलेगा बाइल जूस। देन बाइल जूस यहां से अगेन देखिए यहां स्टोर हुआ कंसंट्रेट हुआ फूड, जब ड्यूओडेनम में आया स्टमक से, तो स्टमक की म्यूकोसा से कांटेक्ट में आया, वहां की सेल ने सीक्रेट किया हार्मोन, ये हार्मोन कहां पहुंचा, गॉल ब्लैडर पर, गॉल ब्लैडर पर ये हार्मोन इस बाइल जूस को एग्जिट करेगा। तो अब ये बाइल जूस इस रूट से देखिए कहां जा रहा है, ये रूट से कहां आ गया, इन द ल्यूमन ऑफ ड्यूओडेनम, यहां बाइल जूस आ गया। ये देखिए बाइल जूस, दिस इज द बाइल जूस, ये बाइल जूस। अब ये जो बाइल जूस है इससे रिलेटेड देखिए दो क्वेश्चन अभी तैयार हुए नीट एग्जाम से रिलेटेड क्लोज क्वेश्चन, सोर्स ऑफ द बाइल जूस हेपेटिक सेल, बट स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बाइल जूस इन द गॉल ब्लैडर, फंडिंग पार्ट याद रहता है तो ठीक है। फूड जब ड्यूओडेनम में आएगा तो ड्यूओडेनम में देखिए इस रूट से पैंक्रियाटिक जूस भी आएगा, और पैंक्रियाटिक जूस का सोर्स क्या है, एसिडनेस। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन बना, ड्यूओडेनम की ल्यूमन में पैंक्रियाटिक जूस भी आएगा, बाइल जूस भी आएगा, बट फर्स्ट कौन आएगा, फर्स्ट आएगा
बाय रूल्स। ये देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ड्यूडेनम के ल्यूमन में बाय रूल्स भी आ रहा है और पैंक्रियाटिक जूस भी आ रहा है उसी रूट से, तो पैंक्रियाटिक जूस को किसने स्टिमुलेट किया वो देखिए। पैंक्रियाटिक जूस को भी स्टिमुलेट करेगा, देखिए यहां पे ऐसी ना ये ऐसी नस है और ऐसी नस से पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा, तो पैंक्रियाटिक जूस को पेंक्रियाटिक जूस को पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करने वाले ऐसे नहीं को स्टिमुलेट करने वाले तीन हार्मोन यहां से निकलते हैं। इनमें एक तो सीसी के कोलीसिस्टोकाइन मींस वो बाय वो पेंक्रियाटिक जूस को बाहर करेगा, मींस सीसी के क्या करता है ये एग्जिट करता है, एग्जिट द पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस को बाहर निकालेगा। PZ, PZ means pancreozymin। ये देखिए CCK, PZ ये हार्मोन है और ये हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं ड्यूओडेनम की म्यूकोसा से, तब जब फूड कांटेक्ट में आता है। PZ का काम क्या है, PZ का काम है एंजाइम सीक्रेशन। PZ pancreozymin, जाइमिन जाइमोजन means एंजाइम, तो एंजाइम सीक्रेशन एंजाइम को सीक्रेट करेगा पैंक्रियाटिक जूस में जो भी एंजाइम होंगे। एक और हार्मोन होता है सीक्रेटिन, ये याद रखें कौन सा हार्मोन है सीक्रेटिन। ये सीक्रेटिन हार्मोन जो पैंक्रियाटिक जूस है उस पैंक्रियाटिक जूस में जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स तो बाइकार्बोनेट को ये सीक्रेट करवाएगा। तो सीसी के पीजेड एंड सीक्रेटिन ये तीनों क्या होते हैं लोकल हार्मोन, लोकल हार्मोन वो होते हैं जिनका सोर्स और टारगेट ऑर्गन क्लोज टू ईच अदर पास पास होता है। जनरली अपन हार्मोन की बात करें देखिए लोकल हार्मोन और हार्मोन में डिफरेंस है। इंडोक्राइन ग्लैंड जो भी होगी वो क्या सीक्रेट करेगी हार्मोन, तो ये ड्यूओडेनम का इंडोक्राइन पार्ट है। यहां से लोकल हार्मोन्स का मतलब है ये एलिमेंट्री कैनाल अंदर इंटेस्टाइन में सीक्रेट होकर के वहीं की ग्लैंड पे काम करते हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है लोकल हार्मोन। तो एलिमेंट्री कैनाल के सभी हार्मोन्स को क्या कहते हैं लोकल हार्मोन, और इनमें सीसी के पीजेड एंड सीक्रेटिन ड्यूओडेनम की म्यूकोसा से निकल के किस पर काम करता है पेंक्रियाज के एसिनेस पर, तो यहां से पेंक्रियाटिक जूस निकलेगा इसको प्लस मींस स्टिमुलेट करेगा। अब पेंक्रियाटिक जूस भी आएगा यार, लेकिन फर्स्ट देखिए इसमें दोनों आ रहे हैं। यहां पे मान लीजिए इसमें ये क्या है ये वाला ये पार्ट है मान लीजिए पेंक्रियाटिक जूस और ये वाला है बाइल जूस, इन दोनों में फर्स्ट कौन आएगा फर्स्ट सीक्रेशन किसका होगा फर्स्ट यहां कौन आएगा बाइल जूस। अब बाइल जूस पहले आता है इसकी क्या जरूरत है इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो देखिए। अब इस बाइल जूस से रिलेटेड पार्ट में अपन देखें तो सबसे पहले अपन ने देखा इसका सोर्स क्या है, जल्दी से बताते जाओ सोर्स क्या है हेपेटोसाइट हेपेटिक सेल। सोर्स के बाद में इस बाइल जूस का पीएच कितना है, पीएच अपन ने देखा था 7.7 एल्केलाइन है। पीएच के साथ में इसका जो पर डे कितना सीक्रेट होता है ये, तो पर डे नियर अबाउट 500 ml सीक्रेशन होता है बाइल जूस का, पर डे लगभग आधा लीटर बाइल जूस सीक्रेट। और इस बाइल जूस में कॉम्पोजिशन अपन देखें इसका बाइल जूस का क्या कॉम्पोजिशन, तो बाइल जूस का जो कॉम्पोजिशन है इस कॉम्पोजिशन में वाटर नियर अबाउट 98% वाटर 98% कॉम्पोजिशन में बात करें। दूसरा इसके अंदर बाकी के रिमेनिंग क्या है सॉल्ट,
सॉल्ट में बात करें तो इनको अपन नाम देते हैं बाइल सॉल्ट। क्या नाम देते हैं? बाइल सॉल्ट। तो देखिए, बाइल सॉल्ट क्या क्या होते हैं? बाइल सॉल्ट, बायजूस के अंदर 98% वाटर है, बाकी का 2% में सॉल्ट, लेसिथिन एंड कोलेस्ट्रॉल सब आ। एक इंपॉर्टेंट बात जो है बायजूस के बारे में, बायजूस डाइजेस्टिव जूस है या नहीं? ऑफकोर्स डाइजेस्टिव जूस है, बायजूस इज अ डाइजेस्टिव जूस। ओके, अब डाइजेस्टिव जूस है तो डाइजेस्टिव जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होना चाहिए। भाई डाइजेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? एंजाइम। और अपन इस बाइल जूस को डाइजेस्टिव जूस मान रहे हैं, बट इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है या नहीं तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, नो नो डाइजेस्टिव जूस, नो सॉरी नो डाइजेस्टिव एंजाइम, नो इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपकी नीट में आ सकता है, याद रखिए। ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव जूस, कंफ्यूजन में डालेगा वो क्वेश्चन में इस बात को डाल के, डाइजेस्टिव जूस बार बार आपके दिमाग में बिठाएगा और अपना माइंड मेकअप होगा कि डाइजेस्टिव जूस है तो ऑफकोर्स उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, बट यहां पर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं। अब आप कहिए ये कैसा जूस है भाई जिसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं? तो अब अपन देखते हैं, इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, नो डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट के साथ साथ इसमें बायो पिगमेंट भी होते हैं, बायो पिगमेंट के अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ इसमें लेसिथिन होता है, लेकिन कोई एंजाइम नहीं, तो फिर इसका फंक्शन क्या हो सकता है? बाइल जूस की क्या जरूरत थी? और ये बाइल जूस ड्यूओडेनम में फर्स्ट क्यों आया? ड्यूओडेनम में तो दो जूस आते हैं, एक तो बाइल जूस आता है, दूसरा पैंक्रियाटिक जूस आता है। पैंक्रियाटिक जूस को अपन ऐसा बोलते हैं सेकेंड आता है, मतलब बाइल जूस के बाद एक्टिव होता है, बाद में आएगा, तो फर्स्ट क्यों है और दूसरा इसमें कोई एंजाइम नहीं है? तो देखिए, इस बायो जूस में जो बायो सॉल्ट होते हैं, ये बायो सॉल्ट एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। इसके एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट, दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक में NaCl, Na2CO3 एंड NaHCO3 यार, बाइकार्बोनेट, मतलब इस बायोजूस में बाइकार्बोनेट भी है। दूसरा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में कौन कौन है? तो यहां पर ये इनऑर्गेनिक है, आप ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इसमें एक है सोडियम ग्लाइकोलेट और दूसरा सोडियम सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। ये जो ऑर्गेनिक होते हैं ये दो हैं और बाकी इनऑर्गेनिक है। अब देखिए इनऑर्गेनिक का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है? जो फूड अभी ड्यूओडेनम में आया, कहां से आ रहा है? स्टमक से, और स्टमक से आने वाले फूड को क्या बोलते हैं? काइम। काइम ऑलवेज कैसा होता है? ऐसे देख, यदि अपन स्टमक से और पीछे आ जाएं तो ये फूड ईसोफेगस
ईसोफेगस के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू कहां से आ रहा है? बक्कल कैविटी से। और बक्कल कैविटी में जो फूड का मेस्टिकेशन किया, सेलेबरी जूस आया उसमें, तो ये जो जो बक्कल कैविटी है, बक्कोफेरिंजियल कैविटी, इसमें जो फूड होता है उस वहां पीएच कितनी थी? 6.8। यहां जो फूड है उस फूड को क्या नाम दिया? बोलस। क्या नाम दिया जाता है? बोलस। तो बोलस का डिग्लुटेशन किया, 6.8 पीएच कहां पहुंच गई? स्टमक में। उस पीएच को न्यूट्रलाइज करके एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस किया एचसीएल ने, एचसीएल सीक्रेटेड बाय ऑक्सेंटिक सेल। अब उसके बाद में ये फूड क्या लाता है? काइम। काइम किसमें एंटर हुआ? ड्यूओडेनम में। और ड्यूओडेनम में अब फूड, तो ड्यूओडेनम में जो काइम पहुंचता है फर्स्ट, क्या सीक्रेट होता है? बाइल जूस। बाइल जूस आएगा कहां से? गॉल ब्लैडर से। अब ये बाइल जूस इसके अंदर आ गया, तो इसमें अपन कहते हैं कि इसमें बाइल सॉल्ट का क्या रोल है? देखिए, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं बाइल में, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट का काम है, जो एसिडिक फूड था मींस न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज एसिडिटी, न्यूट्रलाइज एसिडिटी या एसिडिक एसिडिक फूड एंड मेक्स इट्स एल्केलाइन। क्योंकि इसकी पीएच कितनी है बाइल जूस की? 7.0। बाइल जूस की पीएच 7.7 कहां गई? अपन ने तो अभी लिखा था, ये रही 7.7 पीएच। चलो यहां पे भी लिख देते हैं, ये लिखा तो है पीएच, तो 7.7 पीएच मींस एल्कलाइन मीडियम है। और इस एल्कलाइन मीडियम से क्या फायदा हुआ? जो स्टमक से एसिडिक फूड आ रहा था उस फूड को क्या बनाया? एल्केलाइन। इसने बनाया इन ऑर्गेनिक सॉल्ट। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना? समझ आ रहा है? आप ध्यान से इन क्लासेस को समझते जाएंगे तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नीट का, एम्स का नहीं होता जो इस तरह तुमको ना मिल पाए। अभी अभी इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि ड्यूओडेनम में जो फूड आया वो ड्यूओडेनम में आने वाला फूड कहां से आ रहा है? भाई स्टमक से, पाइलोरिक पार्ट से। ड्यूओडेनम के सेकंड पार्ट के अंदर ड्यूमन में आया। अब ड्यूओडेनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर दो जूस आते हैं, एक पैंक्रियाटिक जूस और एक बाइल जूस, तो फर्स्ट कौन आता है? अब तो याद हो गया भाई, बाइल जूस। सेकंड कौन आएगा? पैंक्रियाटिक जूस, उसे बाद में देखेंगे। अभी आप पढ़ के आ रहे हैं गॉल ब्लैडर एंड बाइल जूस। अगला क्वेश्चन बताइए, बाइल जूस का सीक्रेशन कौन सा रिफ्लेक्स है? न्यूरोनल या हॉर्मोनल? जल्दी से आंसर दो। बाइल जूस का सीक्रेशन न्यूरोनल या हॉर्मोनल गॉल ब्लैडर से? तो आंसर क्या आना चाहिए? यहाँ पे न्यूरोनल तो मैं लिख नहीं रहा, यहाँ तो हॉर्मोनल लिख रहा है, वो भी हॉर्मोन कौन सा? सीसीके। तो क्वेश्चन तो सारे यहीं से बनने हैं, इसलिए आपको ये लेक्चर कई बार देखनी है। आगे चल के बहुत जल्दी अपन इनको लाइव क्लासेस में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन तब तक अपन इसको इस तरह से कवर करते हैं। तो न्यूट्रलाइज एसिडिक एंड इट मेक एल्काइन बाय द इनऑर्गेनिक सॉल्ट, इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट। ओके, अब ये देखिए, ये दोनों है ऑर्गेनिक वाइल्ड सॉल्ट। ये क्या करता है? ऑर्गेनिक वाइल्ड सॉल्ट का जो फंक्शन, ऑर्गेनिक वाइल्ड सॉल्ट का इनका फंक्शन देखिए क्या है। इनका फंक्शन है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक जनरली अपन यही पढ़ते आए हैं। बाइल जूस का फंक्शन, बाइल जूस का फंक्शन इमल्सिफिकेशन ऑफ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है? देखिए
अभी अगर बात करें फैट के डाइजेशन की, तो बक्कल कैविटी में फैट का कोई डाइजेशन नहीं हुआ, स्टमक के अंदर फैट का कोई डाइजेशन नहीं हुआ। अब डाइजेशन फैट का कहाँ होना है? ड्यूओडेनम के अंदर। तो ड्यूओडेनम के अंदर बाइल जूस का जो सॉरी फैट का जो डाइजेशन है उसमें बाइल जूस का क्या रोल है? तो बाइल जूस का जो बाइल सॉल्ट ऑर्गेनिक है उसका फंक्शन है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब है, ये मान के चलिए ये फैट ड्रॉपलेट्स, फैट का कोई बड़ा कण है ये फैट, और इस फैट फैट की जो सरफेस होगी इस सरफेस टेंशन को कम करता है कौन? सॉल्ट। जब सरफेस टेंशन इसका कम हो जाएगा तो ये बाइल जो फैट पार्टिकल है, लार्ज फैट पार्टिकल है, ये स्मॉल फैट पार्टिकल में बदल जाएगा। ये लार्ज फैट पार्टिकल है, ये स्मॉल फैट पार्टिकल है, और अब ये पानी के साथ में थोड़ा सा ऐसे मिक्स हो जाएगा, तो पानी में ऐसे ड्रॉपलेट्स दिखेगी छोटी छोटी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इस पर अपन आगे भी एक लेक्चर अलग से लेंगे जिसपे अपन देखेंगे कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन ऑफ द फूड कैसे हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का। अभी अपन एक रफ आइडिया देखते जाते हैं कि आखिर बाइल जूस का क्या, बाइल जूस का अपनी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है। बाइल जूस लिवर में बना, स्टोरेज गॉल ब्लैडर में हुआ, और उसके बाद में फिर बाइल जूस के अंदर कॉम्पोजिशन में देखा तो कोई एंजाइम नहीं मिला, नो डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये ट्रू बाइल जूस नहीं, ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं, ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। अब ये तो हो गया बाइल सॉल्ट। दूसरा बाइल पिगमेंट। अब मान के चले ये मान लीजिए अब इसका क्या है बाइल पिगमेंट, ये बाइल पिगमेंट क्या है, बाइल पिगमेंट क्या होता है? कॉम्पोजिशन में तो ये मिल गया, बट ये बाइल पिगमेंट होता क्या है, कहाँ से आता है? तो बाइल पिगमेंट की बात करें तो बाइल पिगमेंट एक्चुअल में दो टाइप के, एक तो विली रो विन और दूसरा विली विली रो विन, दूसरा विली वर्ड। ये दो नाम आपने कई बार सुने होंगे, बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन एंड बिलीबर्ड। ये दोनों के दोनों अच्छा, इन दोनों की बात है, बिलीरुबिन एंड बिलीबर्ड, ये दोनों भी एक्सक्रीटरी सीक्रेशन, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ लिवर। चलो भाई एक बात आ गई, लिवर का ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बाइल पिगमेंट, माने लिवर में बाइल पिगमेंट बना और बनने के बाद वहां कोई जरूरत नहीं। तो ये लिवर में बनता कैसे है बाइल पिगमेंट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लिवर का कैसे बन गया लिवर के अंदर? तो अपन ने पिछले लेक्चर में फंक्शंस ऑफ लिवर में बात की थी, फंक्शंस ऑफ लिवर में कहा था ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? आरबीसी का कब्रिस्तान ग्रेवियार्ड, अपनी बॉडी के अंदर आरबीसी की कब्र कहाँ कहाँ मिलती है? आरबीसी की कब्र अपन को कहाँ कहाँ मिलती है? दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे आरबीसी को दफनाया जाता है, जिससे ब्लड का फिल्ट्रेशन प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, ब्लड के अंदर ओल्ड एंड सिनाइल पुराने और क्षतिग्रस्त आरबीसी को साफ किया जाता है, जिससे ब्लड की होमियोस्टेसिस ऑस्मोलरिटी मेंटेन होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो उस ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना जरूरी है भाई, बाइल पिगमेंट लिवर बना रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ब्लड में बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि इनको बिलीरुबिन एंड बिलीबर्डिन एक्चुअल में वाटर इनसॉल्युबल है, तो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बॉडी के अंदर वाटर इनसॉल्युबल होते हैं उनको फीकल मैटर के साथ निकाला जाता है। देखिए ड्यूओडेनम आगे किसमें खुलेगा, ड्यूओडेनम जेजुनम में, जेजुनम इलियम में, इलियम का खुलेगा सीकम, सीकम और इलियम के बीच की ओपनिंग का इलियोसीकल ओपनिंग, उसके बाद में कोलोन, असेंडिंग ट्रांसवर्स डिसेंडिंग सिग्मोइड, और कहाँ चला गया रेक्टम, रेक्टम के बाद में एनल कैनाल के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो गया क्या
फीकल में है, मल मल के साथ, मल का जो पीलापन है वो इसी की वजह से है, बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन। तो सोच लो डॉक्टर बन गए तो तुम्हारी रोजी रोटी मल मूत्र भी होगा, क्यों मल की जांच नहीं करोगे? और उसमें पता लगा कोई पेशेंट आ गया अलग टाइप का, उसने कहा डॉक्टर साहब ये बताओ मेरा मल जो है ना इसको देख के बताओ मैं कैसा हूँ, हेल्दी हूँ या एविन टाइप का हूँ। तो आप सोच लो यहाँ पर बिलीरुबिन एंड बिलीबर्डिन से भी अपन पता लगा सकते हैं हेल्थ लेवल। तो जनरली बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन जैसे अपन देखते हैं ना पीलिया हो जाता है, उस पीलिया में बॉडी पीली पीली होने लगती है तो किसका इन्फेक्शन होता है? लिवर का। वहां पर क्या दिखा था, कैसे बना ये लिवर के अंदर वो देखिए, बाय पिगमेंट एक्चुअल में जैसे जनरली आदमी से अपना कैसा होता है बाय कॉन्क्रीट, जब ये ओल्ड हो जाता है तो इसका शेप बदल जाता है। आगे से कैसा दिख रहा है ये बाय कॉन्क्रीट, जब आगे से बीमार पड़ जाता है आगे से की फेगोसाइटोसिस होती है तो इसका शेप अमीबा जैसा होता है, इसको पॉइक्लोसाइट कहते हैं। पॉइक्लोसाइट, पॉइक्लोसाइट का मतलब ऐसी सेल, साइक्लिंग सेल जिसका क्या बदल गया शेप, पॉइक्लोसाइट। और ऐसे पॉइक्लोसाइट की फेगोसाइटोसिस होती है लिवर, तो फेगोसाइटोसिस बोलो जल्दी से, लिवर की कौन सी है वो जल्लाद सेल, गब्बर सेल ऑफ द लिवर, कुपर सेल, फेगोसाइटोसिस बाय कुपर सेल। अब कुपर सेल इसकी फेगोसाइटोसिस करे, तो अभी आप इतने समझ लो ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी है, ये ओल्ड आरबीसी, ओल्ड आरबीसी का सेल बदल गया उसको पाइक्लोसाइट को, इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एक आरबीसी की बात करें अपन, सिंगल आरबीसी में नियर अबाउट 33% हीमोग्लोबिन होता है। ये अपन आगे ब्लड में भी डिटेल स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा सा आ गया है तो आप सुन लीजिए, 33% आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, 65% होता है वाटर और रिमेनिंग 2% सॉल्ट और एंजाइम, एक एंजाइम भी होता है कार्बोनिक एनाइडेज जो हेल्प करता है CO2+H2O, तभी तो आरबीसी किसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है CO2 O2 क्योंकि हीमोग्लोबिन। तो अभी अपन बात कर रहे हैं इसमें क्या कि 33% इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन में भी हीम प्लस ग्लोबिन, तो जो ग्लोबिन पार्ट होता है ये प्रोटीन पार्ट होता है, दिस इज प्रोटीन, और ये जो हीम पार्ट है ये आयरन होता है इसमें, तो प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, एक्चुअल में प्रोटीन है, बट टू प्रोटीन ही कंजॉइंट प्रोटीन हुई, क्योंकि प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन इक्वल टू कंजॉइंट प्रोटीन। अब इस प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, अभी आप इतना समझ लो प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ और इसके ब्रेकडाउन से क्या बनते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीबर्डिन। तो इस तरह से अपनी बॉडी के अंदर लिवर में जो ओल्ड आरबीसी होते हैं उनकी फेगोसाइटोसिस की जाती है, और इससे साइड में एक्सपीडी प्रोडक्ट क्या बनता है बिलीरुबिन एंड बिलीबर्डिन, ये दो पिगमेंट होते हैं। तो अभी अपन ने बाइल जूस में मेनली बाइल सॉल्ट देखा, बाइल पिगमेंट देखा, कोलेस्ट्रॉल देखा, लेसिथिन देखा, लेकिन कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं मिला, इसलिए ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं है कौन बाइल जूस। अब देखिए बाइल जूस के क्या फंक्शंस हो सकते, बाइल जूस अपन ने ये देखा, इस बाइल जूस के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, यहाँ फंक्शन अपन ने पूरे पढ़ चुके हैं इसी के साथ। पहला फंक्शन क्या होगा बोलो, पहला फंक्शन क्या है, न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड, मींस न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड, अब बार बार लिखने गए समझ लो, पहला फंक्शन तो क्या है न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड। चलिए सेकंड फंक्शन बोलो जल्दी से, सेकंड फंक्शन क्या लिखा है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। थर्ड फंक्शन मतलब दो फंक्शन तो ये है, नंबर वन नंबर टू, ये दोनों फंक्शन ऑफ वैल्यूज है। तीसरा फंक्शन, थर्ड फंक्शन क्या हो सकता है ये, थर्ड फंक्शन है हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन,
हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। अब भाई किसका एब्जॉर्प्शन? फूड एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ड्यूओडेनम के अंदर है, तो यहां पर फूड का एब्जॉर्प्शन भी तो होगा। तो फूड एब्जॉर्ब होकर के किस में आता है? पेडिपोटल में। तो बाइल जूस किस में है? ये याद रखना, ये वाला क्वेश्चन। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कोई बताएगा? चार ऐसे विटामिन है फैट सॉल्युबल, जल्दी से बता दो, बता सकते हो? अरे यार कैसे बताओगे, इंट्रैक्शन तो नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा सा एक गैप आ रहा होगा, कमी आ रही होगी कि मेरी और तुम्हारी आंखों से आंखें मिल के बात नहीं हो पा रही। बट डोंट वरी, टेक इट इजी, ये बहुत जल्दी होगा, लाइव क्लासेस में अपन इसको इंट्रैक्ट करेंगे। तो फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी ई एंड के, चार तो याद रख सकते हो, याद हो गया होगा, पहले भी मैंने बोला था ए डी के चार फैट सॉल्युबल विटामिन है ये। तो फैट सॉल्युबल विटामिन और फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इसे भी बताऊंगा कैसे करता है। उसमें एक माइसेल्स है, वहाँ बात करेंगे, एक अलग से लेक्चर लेंगे बड़ा, जिसमें अपन सारे फूड को डाइजेस्ट करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे। अभी अपन देखा कि बाई जूस और वर्ड लेटर। अब ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में मानता है। पहला तो मान लीजिए आपसे कहा गया बॉल ब्लैडर, जीबी मींस बॉल ब्लैडर, चलो यहां लिख लेते हैं, बॉल ब्लैडर एब्सेंट इन। चलिए क्वेश्चन आंसर अपन थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन अपन ने दिया, चलो ऐसा आ गया बॉल ब्लैडर नहीं पाएगा। तो बॉल ब्लैडर एक्चुअल में देख रहे हैं इसका काम बाइल जूस का स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन, और बेसिकली इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और वहां पर मीडियम को क्या करना है, एल्कलाइन करना है, जिससे पेंक्रियाटिक जूस के एंजाइम फंक्शन हो सके। पेंक्रियाटिक जूस में, स्पेशली पेंक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है पेंक्रियाटिक लाइपेज, पी लाइपेज लिखता है, पी लाइपेज। पेंक्रियाटिक लाइपेज किस मीडियम में काम करता है? एल्कलाइन मीडियम। और किसका काम करता है? फैट। तो फैट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब उस पर कौन काम कर लेगा, लाइपेज। लाइपेज किस मीडियम में काम करता है? एल्कलाइन मीडियम। तो एल्कलाइन मीडियम तो होगा नहीं जो कायम है, वो तो एसिडिक है, तो उसको एल्कलाइन करने के लिए बाइल जूस जरूरी था पैंक्रियाटिक लाइपेज को एक्टिव करने के लिए। तो गॉल ब्लैडर एब्सेंट इन, याद रखो एक तो हॉर्स, हॉर्स में एब्सेंट होता है, ठीक, और किस में एब्सेंट, ये तो मैं बताऊंगा, थोड़ा खुद भी तो पढ़ो यार, सारा मुझसे पढ़वा लोगे क्या, खुद भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, सर्च करना। मैंने अभी तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, चलो आंसर पहला तो दे दिया, गॉल ब्लैडर एब्सेंट इन हॉर्स में, मतलब हर्बीवोरस हिंट दे रहा हूँ, कुछ हर्बीवोरस में एब्सेंट होता है, और मैं एक हॉर्स नाम दिया, और बाकी के तुम इसमें सर्च करके पूरा फिल करोगे, अगले लेक्चर में मुझे मैसेज करके बताओगे ये इन इन में एब्सेंट। ओके, दूसरा क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन आ जाए, उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो गॉल ब्लैडर के लिए टर्म क्या दिया था, सिस्टेट, तो इसको क्या बोलेंगे, सिस्टाइटिस, क्या नाम है, सिस्टाइटिस। एक और क्वेश्चन है इसमें, चलिए एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे लिखा हो पॉलीलिथियासिस क्या होती है? कॉली मींस बाइल, लिथो मींस स्टोन, मींस पथरी, पथरी बोलते हैं ना, पथरी की पथरी है भैया, पथरी का मतलब ऐसा नहीं है बड़े बड़े पत्थर जम गए गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से सारे पत्थर निकल के कायम गिरे बाइल जूस के द्वारा डियोडेनम, और डियोडेनम से पत्थर तुम्हारे मल के साथ में, फीसिस के साथ में बाहर निकले। सोचो यदि ऐसा हो जाए तो कितना भयानक होगा, मान लो किसी की किसी से दुश्मनी है और उसने पत्थर बरसा दिए छत पर खड़े हो गए पड़ोसी के घर में, तो दिक्कत है ना, लेकिन इतना नहीं भाई, इतने बड़े पत्थर दिए आएंगे,
पॉलीलिथियासिस, ये क्या? चल अपन ने कहा पॉलीलिथियासिस का मतलब स्टोन, स्टोन ऑफ गॉलब्लैडर, स्टोन ऑफ गॉलब्लैडर। अब ये बना कैसे, एक प्रश्न भी आता है। तो इसमें स्टोन ड्यू टू, इसमें अपन बात करते हैं स्टोन क्यों होता है, ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन, ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट है ये इंपॉर्टेंट, ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द ऑक्सैलेट। अब ये ऑक्सैलेट कहां से आए भाई, तो देखो इधर बायोसॉल्ट कहां गया, बायोसॉल्ट का जल्दी से बताओ, मैं भूल गया, ये रहा यहां हमारा बायो जूस। अब बायो जूस अब एग्जिट होगा, बाहर आएगा, यहां से बाहर आ रहा ना, ऐसे बायो जूस जब फूड अपना एलिमेंट निकलना में आ गया ड्यूटेरियम में, तो कुछ बायोसॉल्ट यहां स्टोर हो जाते हैं, किसमें, रत्की पाउच, सॉरी ये मैं क्या बोल गया, रत्की पाउच, ये कहाँ होता है कोई बताएगा? अभी जैसे मैंने बोला था रत्कीज पाउच, रत्कीज पाउच से डेवलप होती है पिट्यूटरी, कौन सी वाली, पोस्टीरियर एंटीरियर, बोलो बेटा पोस्टीरियर एंटीरियर। अब कुछ कह रहा हूँ यार, यार ये तो इधर ही पढ़ा रहा है, कहाँ की बात कर रहा है, पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी, अभी कहाँ से याद हो जाएगा, थोड़ा सा याद करो, कॉम्पिटिशन में ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर बनना है तो इसके लिए थोड़ा से अलग एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, टीचिंग भी अलग एफर्ट के होंगे। आप सोच रहे हैं सिंपल वे में पढ़ के है ना, ऐसी वो बेकार टाइप की कुछ लाइव क्लासेस चले, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे है ना, कुछ ना लाइव क्लासेस ले लो, लाइव क्लासेस के लिए मरे जा रहे हैं भैया, अरे वो भी ले लूँगा यार, पढ़ा रहा हूँ ना, ये क्या कब, ये मटेरियल कम पड़ रहा है तुम्हारे लिए, इसको पूरा अच्छे से कवर करो और थोड़ा सा केयरफुली पढ़ो, सिंसियर हो के डॉक्टर ऐसे नहीं बन पाएंगे, इलेवंथ अच्छे से हो, ट्वेल्थ अच्छे से हो, तब ट्वेल्थ में सिलेक्शन के चांस होते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये है पॉलीलिथियासिस गॉलब्लैडर में हो गए, गॉलब्लैडर की पथरी को पॉलीलिथियासिस बोलते हैं। बट अब एक क्वेश्चन इससे ऊपर वाला है भाई, डॉक्टर बनना है ना, तो थोड़ा पढ़ाई डॉक्टर वाली करो, डॉक्टरों से पढ़ो, हम लोगों ने इतना सारा पढ़ के रखा है मेडिकल में MBBS में, तो उसका फायदा तो ले लो, बोलो गॉलब्लैडर की पथरी तो पॉलीलिथियासिस ये लिखा हुआ, इस तरह का पढ़ गया ना, तुमने देखा होगा कई लेक्चर में ऐसा पॉलीलिथियासिस लिख के भगा चला जाता है टीचर, अरे वो तो भगा चला गया ना इसलिए क्योंकि उसको खुद को नहीं पता भाई कहाँ हुई। इधर देखो जब बाइल जूस गॉल ब्लैडर में ऊपर जाएगा किधर, रत्कीज पाउच, रत्कीज पाउच फिर बोल दिया मैंने, रत्कीज पाउच नहीं हार्टमैन्स पाउच, अब कुछ कहना यार दिल के टुकड़े हो गए क्या, यहाँ पाउच दिल के पाउच, एक तो कुड़िया वाले पाउच होते हैं वो वाले पाउच नहीं, ये कौन सा पाउच है, हार्टमैन्स पाउच, हार्टमैन्स पाउच में आप देखो क्या हो रहा है, ये जो यहां से बाइल जूस गया तो यहां से कुछ इसमें अटक जाते हैं, कुछ उसमें एंटेंगल्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं और फंसते रहते हैं धीरे धीरे, तो एक क्रिस्टल बन जाता है, दिस इज कॉल्ड स्टोन। तो क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइट, most common site of कॉलीलिथियासिस, कॉलीलिथियासिस कौन सा पाउच, हर्डमैन्स पाउच। तो अब आप देखिए अपन ने गॉल ब्लैडर और बाइल जूस को इस तरह से कवर किया, इसमें नीट में आने वाले क्वेश्चन सारे क्लियर हो रहे हैं, आप बार बार इन लेक्चर्स को देखिए, रिपीट कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और व्हाट्सएप पर कांटेक्ट में रहिए, मेरा नंबर उसमें रहता है, लेक्चर में वीडियो लेक्चर में आप देखते हैं वहाँ पे चलता रहता है, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लो क्योंकि कुछ उस पर अपडेट आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तो ये पार्ट अपना था गॉल ब्लैडर एंड बाइल जूस का, ठीक। अब इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पेंक्रियास की, पेंक्रियाटिक जूस की, और मैक्सिमम तो अपन ने कवर कर लिया है बट फिर भी अपन उसको आगे देखें, ओके।